सांसद शरद त्रिपाठी ने विधायक को जूते से पीटा। विधायक राकेश बघेल की सांसद ने की पिटाई। विधायक राकेश बघेल को सांसद ने जमकर पीटा। लगातार सांसद ने विधायकों को जूते से पीटा। सांसद की विधायक पर जूता स्ट्राइक। जी हाँ, सांसद के विधायक पर जूता स्ट्राइक। नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद शरद त्रिपाठी और मेदावल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राकेश सिंह के बीच एक कार्यक्रम के दौरान जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक शिलापट में बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी का नाम नहीं था, जिसको लेकर शरद त्रिपाठी और बीजेपी विधायक राकेश सिंह के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान सांसद शरद त्रिपाठी ने जूता निकाल लिया और बीजेपी विधायक की जमकर पिटाई की। निगरानी समिति की बैठक में सांसद का रौद्र रूप। शिलापट पर नाम न होने पर सांसद ने पीटा। विधायक राकेश बघेल ने किया था सड़क का उद्घाटन। श्रेया लेने की होड़ में सांसद और विधायक भिड़े। कलेक्ट्रेट में योगी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन की अगुवाई में जिला कार्य योजना समिति की बैठक हुई। इस दौरान शिलापट में नाम न होने को लेकर भाजपा विधायक राकेश बघेल और भाजपा सांसद शरद त्रिपाठी में विवाद हो गया। स्थिति ये हो गई कि सांसद त्रिपाठी ने विधायक बघेल को जूते से पीट डाला। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। एमएलए ने भी सांसद शरद त्रिपाठी पर बरसाए थप्पड़। सांसद शरद त्रिपाठी जूता निकालकर बीजेपी विधायक राकेश सिंह को जमकर पीटते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक खुद को छुड़ाकर शरद त्रिपाठी के पास पहुंचते हैं और सांसद पर कई थप्पड़ बरसाते हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। शिलापट पर नहीं लिखा था सांसद का नाम। बैठक में समिति के सदस्य प्रस्ताव पेश कर रहे थे। बैठक के दौरान एक परियोजना के शिलापट पर सांसद शरद त्रिपाठी का नाम नहीं लिखा था। ये देखते ही सांसद भड़क उठे। प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने सांसद और विधायक के बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक सांसद ने जूता निकालकर विधायक को पीटना शुरू कर दिया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि सांसद और विधायक के बीच काफी समय से मनमुटाव चल रहा है। विधायक समर्थक बोले, बदला लेकर रहेंगे। बता दें कि इस मारपीट के बाद विधायक के तकरीबन 3000 समर्थकों ने कलेक्टर के दफ्तर का घेराव किया और कहा कि वह राकेश सिंह के अपमान का बदला जरूर लेंगे। पुलिस अधिकारियों ने सांसद को सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर के कमरे में बंद कर दिया है। साथ ही साथ थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है।